वेलकम टू आवर चैनल। मौजूदा भारत में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सिर्फ एक ही नाम का सिक्का चलता है, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आखिर मोदी ब्रांड इतना बड़ा कैसे बना? क्या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग थी? 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी के नाम का डंका सिर्फ गुजरात में ही सुनाई पड़ता था, लेकिन 2014 इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, आज भारत ही नहीं, दुनिया के प्रमुख देश अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इजराइल जैसे कई देशों में प्रधानमंत्री मोदी की गूंज सुनाई देती है। उनकी लोकप्रियता इस हद तक है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने मोदी जी से ऑटोग्राफ मांग लिया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने तो मोदी इज द बॉस कहकर उन्हें संबोधित भी किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं मोदी ब्रांड डेवलप कैसे हुआ और ब्रांड मोदी को डेवलप करने में कांग्रेस का कितना कंट्रीब्यूशन रहा? साथ ही हम इस वीडियो में उन तीन फैक्टर के बारे में जानेंगे जो मोदी ब्रांड को मजबूती देते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का सफर संघ की शाखाओं से शुरू होता है। बतौर संघ के स्वयंसेवक, नरेंद्र मोदी ने संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके चलते उन्हें सन 1987 में भारतीय जनता पार्टी में मूव किया गया। नरेंद्र मोदी का ब्रांड बनने का सफर अभी शुरू नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें गुजरात के मुख्य प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। दोस्तों, फिर साल 2001 में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें गुजरात की कमान सौंपी और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। यही से शुरू होती है ब्रांड मोदी की। नरेंद्र मोदी के बतौर मुख्यमंत्री पद संभालने ही एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके पूरे राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोधरा दंगों की। गुजरात के गोधरा में रेलवे में सफर कर रहे निर्दोष राम भक्तों को कुछ कट्टरपंथियों ने मोट के घाट उतार दिया, जिसके जवाब में गुजरात में कौमी दंगों की शुरुआत हुई। गुजरात में हुए इन दंगों का प्रभाव न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश भारत पर पड़ा। इस दंगों की खबर दुनिया भर के मीडिया की हेडलाइन बनी। यहां तक कि जो अमेरिकी आज प्रधानमंत्री मोदी को दो बार अपने देश में विजिट कर बुलाकर सम्मानित कर चुका है, उसी अमेरिकी ने एक समय नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा पर रोक लगा दी थी। दरअसल, नरेंद्र मोदी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी आलोचकों ने जानबूझकर एक नैरेटिव बिल्ड किया जिसमें नरेंद्र मोदी को उनके लिए दोषी बताया। उनके आलोचकों का कहना है कि उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री इन दंगों में हिंदू संगठनों को संरक्षण दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT ने बड़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन की और बाद में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी मिली, लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी ने इन दंगों से बनी अपनी नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव फैन बेस में बदल दिया था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों के बाद अपनी छवि को कैसे बदला, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी ये बात अच्छे से जान चुके थे कि भारत की राजनीतिक में अपनी अच्छी जगह बनाने के लिए जनता का विश्वास हासिल करना होगा, साथ ही बिजनेस वर्ल्ड से अपने रिश्ते बेहतर करने होंगे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों के बाद बिजनेस लॉबी पर काफी फोकस किया। उन्होंने गुजरात में आए भूकंप और दंगों के बाद सुस्त पड़े गुजरात की इकोनॉमी को रफ्तार देने, साथ में वाइब्रेट गुजरात समिट की शुरुआत की। इस समिट के माध्यम से नरेंद्र मोदी देश विदेश के इन्वेस्टरों के सीधे संपर्क में आए, साथ ही उन्हें इस समिट के चलते वैश्विक तौर पर भी पहचान मिलने लगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, वाइब्रेट गुजरात समिट भारत के बड़े बिजनेस समिट में से एक है। इस समिट में लिए गए निर्णय की खबर पूरी दुनिया में फैलती है। इसके अगेन रिलायंस, टाटा समूह, अडानी, SR मारुति जैसी बड़ी कंपनियों से हाथ मिलाया और उन्हें गुजरात में वो हर फैसिलिटी दी जो एक उद्योगपति चाहता है, और बदले में इन सभी दिग्गज कंपनियों ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ निवेश किया। नरेंद्र मोदी न सिर्फ गुजरात में व्यापार उद्योग को बढ़ावा दिया बल्कि उन्होंने गुजरात के नागरिक को वो हर फैसिलिटी दी जो एक कॉमन सिटीजन चाहता है, जैसे कि बेहतर सड़कें, 24 घंटा बिजली, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। उन्होंने सबका साथ सबका विकास स्लोगन के साथ गुजरात का सर्वांगीण विकास किया और सामाजिक समरसता बनी रहे इसलिए सद्भावना यात्रा भी निकाली। नरेंद्र मोदी के इन कामों का गुजरात की जनता ने अच्छे से नोटिस किया और जनता ने साल 2007 और साल 2012 में भी गुजरात की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में ही सौंपी। नरेंद्र मोदी साल 2012 तक एक विकास पुरुष बनके उभरे। गुजरात की जनता ने हर बार नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया। दोस्तों, अब हम ब्रांड मोदी को मजबूत करने वाले तीन फैक्टर जानने से पहले कांग्रेस ने ब्रांड मोदी को डेवलप करने में कितना कंट्रीब्यूशन किया उस पर नजर डालते हैं। नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों के हमेशा निशाने पर रहते हैं। हालांकि साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सफल लेने के बाद मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके विरोधियों ने उन पर हमले और भी तेज कर दिए।
यदि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना। राम बल्ले दामोदर दास से काम गौतम दास है। अच्छा भला हमारे लड़के वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत जाते वहाँ पे पनौती हरवा दिया। इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जहां कांग्रेस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों द्वारा किए गए अपमान को गुजरात की जनता से जोड़ा और प्रधानमंत्री बनने के बाद इसे देश के अपमान के साथ भी जोड़ा। दोस्तों ये उनकी पॉलिटिकल सूझबूझी थी। ऐसा करने से वे जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं और जनता हर बार नरेंद्र मोदी पर सहानुभूति जताती है। दरअसल कांग्रेस ने ब्रांड मोदी को डेवलप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस को ये बात अच्छे से मालूम है कि प्रधानमंत्री पर सीधा अटैक करना उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये सिलसिला आज तक जारी है। इससे आगे कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने आज तक कोई ऐसा बड़ा मुद्दा या ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं ढूंढी है जिससे वो ब्रांड मोदी को डिफेंड कर सके। उल्टा कांग्रेस ने अपनी करतूत से आज तक की मोदी की लोकप्रियता को जनता के बीच मजबूत करने का काम ही किया है। मौजूदा कांग्रेस पार्टी ने देश हित से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जैसे कि अग्निवीर योजना, आर्टिकल 370, राम मंदिर निर्माण, एयर स्ट्राइक, डीमोनेटाइजेशन हो या GST, कांग्रेस ने कभी भी सरकार का समर्थन नहीं किया है और कांग्रेस का ऐसा करना नरेंद्र मोदी के लिए फायदेमंद रहा है। साथ ही नरेंद्र मोदी ने ऐसे बड़े फैसले लेकर जनता के बीच एक मजबूत नेता की छवि बनाई। दोस्तों बात करते हैं उन तीन फैक्टर पर जो नरेंद्र मोदी को एक ब्रांड मोदी बनाने में मदद करते हैं। नंबर एक, प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच और उनका पब्लिक कनेक्ट। नरेंद्र मोदी मौजूदा भारतीय राजनीति में सबसे अच्छे वक्ता है। उसे सुनने के लिए हजारों में भीड़ उमड़ती है। ऐसा वक्ता भारतीय राजनीति में सिर्फ एक ही था जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। नरेंद्र मोदी जमीन से उठ के इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं तो उन्हें यह बात अच्छे से मालूम है कि जनता की समस्या क्या है और जनता उनसे क्या सुनना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से भी जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके सारे भाषण एक आम नागरिक समझ सके ऐसी भाषा में होते हैं। साथ ही वे अपने भाषाओं में युवा, नारी शक्ति, किसान, पिछड़ा और दलित जैसे शब्दों का प्रयोग बार बार करते हैं जिसकी वजह से समाज का एक वर्ग खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। बेशक उनकी कम्युनिकेशन स्किल और भाषण देने की सहेली ब्रांड मोदी को डेवलप होने का सबसे बड़ा फैक्टर है। दोस्तों बात करते हैं दूसरे फैक्टर पर, गरीब और मध्यम वर्ग पर ज्यादा फोकस। नरेंद्र मोदी यह बात भली भांति जानते हैं कि भारत के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की जनसंख्या ज्यादा है। उनकी हर योजना जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, कामदारों के लिए विश्वकर्मा योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, उनकी ज्यादातर योजनाएं गरीब और मिडिल क्लास को सेंटर में रखकर ही बनाई जाती है। साथ ही कोई लाभ लपेट और भ्रष्टाचार के बिना उन्होंने बहुत कम समय में इन सारी योजनाओं को जमीन पर कार्यान्वित किया है। इन योजनाओं के जरिए भी उनको चुनाव में जबरदस्त लाभ मिलता है। राज्यों के विधानसभा हो या देश के लोकसभा चुनाव हो, जनता बस मोदी के नाम पर EVM बटन दबा ही देती है। दोस्तों बात करते हैं तीसरे फैक्टर पर, निर्णय लेने की क्षमता। भारत में बड़े लंबे समय से गठबंधन की सरकारें चली, लेकिन 2014 में जनता ने नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश दिया और बदले में नरेंद्र मोदी ने अपनी करिश्माई लीडरशिप के जरिए कई बड़े फैसले लिए जो काफी समय से लंबित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वैसे कई बड़े निर्णय लिए थे, लेकिन ट्रिपल तलाक, GST, आर्टिकल 370 रिवोक, भूमि अधिग्रहण बिल, PFI को बैन करना, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर का निर्माण, ये सभी फैसले उनके कार्यकाल के सबसे बड़े फैसले हैं, जिसका असर भारत और भारत की राजनीति पर काफी लंबे समय तक रहेगा। नरेंद्र मोदी इन बड़े फैसलों के चलते भी एक ब्रांड मोदी बनकर उभरे हैं। बेशक प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अपनी चरम सीमा पर है। उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में कई राज्यों और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार किया और अपने संगठन को मजबूत भी किया है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का कौन सा निर्णय आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।